हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस आइए आज क्लास टेंथ के लिए मैं इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ कि साल जो है पूरा हल किया गया है और ये मॉडल पेपर एक्सीलेंट क्वेश्चन बैंक जो आती है तो एक्सीलेंट के प्रकाशन से ही एक, 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 एक इंग डेस्क वर्क के नाम से क्लास दस के लिए किताब आई है वो प्रैक्टिस सेट है तो उसमें एक सेट हल किया गया है और इसके बाद सभी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं तो जिसको हल करना है तो आज की वीडियो में हम इसको हल किया गया जो इसको समझाएंगे इससे आपको पता चलेगा कितने कितने क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे आएंगे कितना ऑब्जेक्टिव रहेंगे ठीक है बी ओ एम आर शीट पर आएगा जो वो कैसे रहेंगे उसके बाद सब कुछ आपको पता चलेगा और साथ के साथ मैं पूरा सॉल्व किया तो उसको समझा देता हूँ जिससे आपको ट्रिक भी पता चल जाएगी कैसे हल करना है तो लास्ट तक वीडियो को देखिए देखिए इस तरह से देखिए तीन घंटे पंद्रह मिनट का ये पेपर रहेगा और ये सात सत्तर नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका मैक्सिमम मार्क पंद्रह मिनट पढ़ने के लिए जिसमें दिए जाएंगे तीन घंटे आपको हल करने के लिए तो सेक्शन ए में देखिए बीस नंबर का रहेगा या बीसों ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे बहुविकल्पी प्रकार के और ओ एम आर सीट पर लिखना होगा तो इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं पहला आपका जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो इट निम्नलिखित पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ो और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो तो इसमें देखिए साइंटिस्ट हुई स्टडी द रॉक्स लैंड लॉ लैंड फार्मस एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ कैन टेल वाट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्ड हियर ऑन द अर्थ लॉन्ग टाइम है वो मतलब यहाँ की ये अनसिन है ये किताब से आपके नहीं रहेगा ये आपको आप अपठित गद्यांश है तो इसके देखिए इसमें क्वेश्चन भी नीचे दिए गए हैं और तीन क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे एक एक नंबर के कहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे ऑप्शन भी दिया रहेगा इसमें से आपको पढ़ के उसको छाँटना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है तो चलिए देखिए इसके हल करने के मैं तरीके बता दे रहा हूँ देखिए दो तरीके होते हैं पैसेज हल करने के एक तो ये होता है आप इसको पढ़िए उसके बाद फिर प्रश्न पढ़िए फिर उसके बाद फिर पढ़िए उत्तर खोजिए लेकिन वो तरीका तो आप टाइम टेकिंग हो जाता है इसलिए मैं आपको सबसे सरल तरीके बता रहा हूँ कम समय में आप ताकि हल कर पाएँ तो उस और आपको अर्थ नहीं भी आ रहा तो भी आपको आ जाए क्योंकि इस पहले तरीके से क्या पढ़ेंगे तो दो तीन बार पढ़ेंगे तो उसका कुछ अर्थ समझ में आएगा तब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं करना मैं ट्रिक जो बता दे रहा हूँ आपको अर्थ नहीं आ रहा तब भी आप कर ले जाओगे बहुत आराम से कर ले जाओगे देखिए ट्रिक ये है कि पहले आप अनसिन पैसेज को ना पढ़ के सीधे सीधे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए हु इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट किससे कहा जाता है उसके बाद फोसाइल्स वर फाउंड ठीक फोसाइल्स वर फाउंड काइंड्स ऑफ फोसाइल्स मतलब आपको क्या करना अर्थ मान लिया आपको नहीं आ रहा तो किसे कहा जाता है जियोलॉजिस्ट मान लीजिए इसमें से खोजना होगा तो आपको पता कि हु स्टडीज एनिमल्स स्टडीज इनसेक्ट्स स्टडीज रॉक्स एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ हु स्टडीज ह्यूमन बॉडीज तो जब इसमें से जो भी आएगा आप जहाँ आएगा वहीं रुक जाना वहीं इसका आंसर इसमें से हो जाएगा फोसाइल्स पाए जाते कहाँ पाए जाते ग्रास कवरिंग कॉन्टिनेंट्स में इन वाटर्स कवरिंग कॉन्टिनेंट्स में इन रॉक्स एंड माउंटेन्स में नन ऑफ दिस कहीं नहीं पाए जाते तो काइंड्स ऑफ फसाइल फोसाइल्स किस कितने प्रकार के तो वन टू थ्री फोर कितने प्रकार के हैं आपको आंसर इसमें से खोजना है तो पहला क्वेश्चन आप पा लिए हुई इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट तब यहाँ शुरू से पढ़ते जाइए अब आप, आपको की वर्ड पर ध्यान देना कॉल जियोलॉजी यानी जियोलॉजिस्ट जहाँ आएगा कॉल जियोलॉजिस्ट उसी लाइन में इसका आंसर रहेगा और की वर्ड इस तरह से बना लीजिए अब ज़्यादा नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में फोसाइल्स वर फाउंड फोसाइल्स फाउंड इतना सब खाली की वर्ड बना लीजिए काइंड्स ऑफ फोसाइल्स की वर्ड बना लीजिए तो जहाँ आएगा आपको पता चल जाएगा देखिए पहला लाइन पढ़ रहे हैं साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स और लैंड लॉक्स एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ कैन टेल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्ड हियर ऑन द अर्थ लॉन्ग टाइम दीज साइंटिस्ट आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट आ गया ना जियो इन वैज्ञानिकों को जियोलॉजिस्ट कहा जाता है इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट इन वैज्ञानिकों का मतलब क्या इसके ऊपर जिन मतलब जो बात किया गया है तो उन्हीं को जियोलॉजिस्ट कहा जाता है इसके ऊपर क्या है द साइंटिस्ट ऐसे वैज्ञानिक हु स्टडी द रॉक जो रॉक का अध्ययन करते हैं लैंड का एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ और धरती का के इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इन तो वही बता सकते हैं किस प्रकार के पौधे और पशुओं का जीवन कैसे उन्हें कहा जाता है तो मतलब यहाँ देखिए किसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है तो मतलब ऐसे आपको अर्थ यहाँ मिल जा रहा है कि हु स्टडी द रॉक्स लैंड एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यही इसका इतना आंसर हो जाएगा ठीक है कौ, कौन है हु, हु से आपको देखिए यहाँ दिए कि हु स्टडी रॉक्स लैंड फॉर्म्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यही देख लीजिए इसमें ऑप्शन में किसमें किस से तो देखिए यहाँ दिए वन हु स्टडी रॉक्स एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यही तो दिया गया है ठीक है रॉक्स हिस्ट्री ऑफ द अर्थ यही देखिए दे रॉक्स लैंड फार्म नहीं दिए उसने मतलब हिस्ट्री ऑफ द अर्थ तो दिया है तो क्योंकि लैंड फार्म किसी में नहीं ऑप्शन में तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वन 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 व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति हु स्टडीज रॉक्स एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ ठीक है तो उसे हम क्या कहते है? हैं जियोलॉजिस्ट कहते हैं अब देखिए दूसरा क्या है किस कहाँ पर आ जाते हैं तो आप पढ़ते चलिए फोसाइल्स फाउंड जहाँ आ जाएगा तो आप यहाँ पढ़ते जब चले जाएंगे तो इस तरह से सेबल्स में भी मोस्ट फोसाइल्स कवरिंगलो इन लैंड सीज एंड लॉर्ज कवर द लॉर्ज ऑफ द अब यहाँ क्या मोस्ट फोसाइल्स फोसाइल्स आ गया ना तो इसमें दूसरे में क्या है फोसाइल्स फाउंड फोसाइल पाया जाता है फोसाइल्स आ गया तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए फोसाइल्स वर फा फार्म बने होते हैं इन द वाटर्स कवरिंग द कॉन्टिनेंट्स जल को कवर करने वाले कॉन्टिनेंट्स बने महाद्वीप में तो अब यहाँ देखिए इसमें क्या है कि वाटर कवरिंग कॉन्टिनेंट्स इन कवरिंग वाटर्स ने दिया था क्या कवरिंग कॉन्टिनेंट्स तो ये तो है तो आपको यहाँ जो है इसका आंसर बी वाला आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ बनते हैं और फोसाइल्स मैंने होता है उसमें जीवाश्म होता है जब जो अवशेष होते हैं जीवाश्म तो ये मतलब वाटर कवरिंग कॉन्टिनेंट्स में बनते हैं यानी कि वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ बनेंगे वहीं पाए जाएंगे तो इस तरह से ये आपका फोसाइल्स वाटर कवरिंग कॉन्टिनेंट्स देखिए सेम टू सेम आपको मिल गया इन वाटर कवरिंग कॉन्टिनेंट्स तो ये आपका करेक्ट आंसर भी हो गया तीसरा काइंड्स ऑफ फोसाइल्स फोसाइल्स के प्रकार कितने हैं तो आप पढ़ते चले जाएंगे जब यहाँ पूरा पढ़ते चले जाएंगे इन वार्म स्लो इनलैंड से पूरा वहाँ काइंड्स आ जाएगा वहाँ तो फिर इसके पढ़ते चल जाएंगे स्केल्टन पोर्स ऑफ़ द बॉडीज पढ़ से तो पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आज नीचे आज आपको मिल जाएगा देर आर फोर मेन काइंड ऑफ फोसेल्स फोसेल्स मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं कितना आ गया चार तो चार देख लीजिए इसमें ऑप्शन डी है तो सही हो जाएगा इस तरह से आपको समझ लेना है बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको ये सारे नंबर आपको तीन नंबर जो है आपको पक्के इस तरह से कर लेने हैं जैसे मैं ट्रिक बताया इसमें कोई टेंशन नहीं लेने की नहीं पड़े हैं क्योंकि सबके लिए आपको ठिकराता है तो यही ट्रिक है इसके देखिए पहले में देखिए सी में बताया था देखिए मिला लीजिए यहाँ आंसर दिया भी गया है दूसरे में बी बताया था तीसरे में डी बताया था तो यहाँ आंसर दिया भी गया है आपकी सुविधा के लिए तो ठीक है मैं इसका जो है पी भी मैं ग्रुप में भेज दूँगा और बाकी मेरा जो टेलीग्राम है आरएम इंग्लिश क्लासेस शुरूपुर टेलीग्राम चैनल से आप पी डी एफ भी इसकी देख सकते हैं नहीं तो आप पढ़ के समझ लीजिए तो आई होप समझ में आ गया होगा तीन नंबर आप कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन क्योंकि प्री बोर्ड पेपर भी होने वाला बच्चों का तो प्री बोर्ड में भी आपको इस तरह से आएगा और बोर्ड परीक्षा में तो आएगा ही इसलिए मैं सुविधा तो के लिए मैं सोचा पहले साल जो किया उसको समझा दें कैसे हल किया जाएगा ट्रिक बता दूँ फिर उसके बाद मैं अनसाल भी मैं इसके बाद कवर करूँगा अरिहंत प्रकाशन से या किसी भी प्रकाशन से जो दो हज़ार बाईस में बीस में उन्नीस में किस में जब भी पेपर हुआ आया उसको कवर करूँगा और इसका भी मैं डेस्क वर्क को जो एक्सरसाइज दिया उसको भी कवर करूँगा ठीक है देखिए एक्सीलेंट इंग्लिश डेस्क वर्क क्लास टेंथ के नाम से आती है ये मार्केट में आप इसको ले भी सकते हैं सेम टू सेम आप पा सकते हैं इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो जो मैं चैनल पे जिसके मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो ही आप देख लेंगे समझ में पूरा आ जाएगा ये क्लास दस की अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे चूज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू तो आंसर द तो फॉलोइंग अगला क्वेश्चन चौथा जो आ रहा है आ, सही ऑप्शन बताएं इज प्लेइंग ही द इन पार्क तो ये रियाडरिंग से रिलेटेड है मतलब ये क्रम इसका करेक्ट ऑप्शन क्रम सही करके लिखना है तो एक में सही करके लिखा गया तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पोर्सन से है तो इन सब्जेक्ट पर बावजूद का सही क्रम इसमें होना चाहिए जैसे वाक्य लिखना चाहिए तो सीधी बात है वो ही माने है इसका ट्रिक क्या है कि पहले उल्टा पुलटा आप अर्थ निकाल के उसको हिंदी वाक्य में क्या कि सेट कर दीजिए या इससे कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं ये माने है, है प्लेइंग खेल रहा ही हीवा मे पार्क खेल रहा हाई खेल रहा वह हमें पार्क यानी कि वह पार्क में खेल रहा है इस तरह से हिंदी बना जी वह पार्क में खेल रहा है तो उसकी अंग्रेजी कहाँ लिखा गया इज प्लेइंग इन द पार्क पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है आगे है डॉग्स बार्किंग बाइट सेल्डम मतलब कुत्ते भौंकने वाले काटते हैं बहुत कम यानी भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं तो इसकी अंग्रेजी आपको लिखना है तो बार्किंग डॉग डौक, डाक्स सेल्डम बाइट ये तीसरा वाला ऑप्शन होगा पार्किंग डॉग्स माने भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम बाइट माने बहुत कम काटते हैं तो सेल्डम बाइट माने बहुत कम काटना ठीक है तो ये आपका सी ऑप्शन आप सही हो जाएगा और विच वर्ड इज़ करेक्टली इस करेक्ट कौन सा सही ढंग से, से, तो से लिखा गया है ऐसा वर्ड पूछ लिया जाएगा सही ढंग से कौन सा शब्द लिखा गया है स्पेलिंग यानी कि आपकी टेस्ट किया जा रहा है तो ट्यूशन जो है आपका एकदम सही ढंग से लिखा गया है टी यू आई टी आई ओ एन क्योंकि एक्सीलेंट गलत है डबल एल रहता है ठीक है एडमिशन में डबल एस रहता है ग्रामर में ए रहता था तो तीनों गलत है तो इस तरह से ये सही है अगर आपको सही नहीं आ रहा तो इस तरह से गलत को ऑप्शन निकाल दीजिए तब भी आपका काम हो जाएगा अगला शब्द आपका देखिए राम हिम दैट ही वॉज नॉट डूइंग तो आपको करना क्या है कि राम के बाद यहाँ क्या भरा जाएगा कि राम देखिए सेट भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा क्योंकि सेट आता तो टू भी आना चाहिए टू नहीं है तो इस कट गया सेट टू सेट टू हिम लिखा नहीं जाता जब हिम है तो सेट टू नहीं लिखा जाता सेट टू को किसमें टोल में बदल दिया जाता है तो और ठीक है तो एडवाइज भी नहीं हो सकता है एडवाइज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एडवाइज सा टू लगता है यहाँ कंजेक्शन दैट लगा तो इसलिए भी नहीं हो सकता है तो बचा क्या टोल्ड हंड्रेड परसेंट आपका डी वाला सही हो गया इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप हल कर सकते हैं आराम से सही ना आता तो, तो कौन नहीं हो सकता है इसको भी देखिए आई से लीव द रूम वेन द रेन मैं कमरे को छोड़ दूंगा जब ट्रेन जब बरसा क्या होगी और रेन के साथ क्या लगेगा विल स्टाफ रुकेगी हो नहीं सकता क्योंकि ये अगर वेन या इफ से जब एक वाक्य रहता है और एक फ्यूचर इंडिफरेंट रहा था तो इधर वाला प्रेजेंट इंडिफ्रेंट लिखना चाहिए तो इसलिए बिल हो नहीं सकता दोनों क्लास कभी फ्यूचर में होते हैं इस्टाफ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट एफ पर रेन एक बचना है तो स्टाफ में छूट जाएगा उड़ भी नहीं होगा पास्ट में लिखा ही नहीं जाता इज के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा नहीं जाता तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही है ठीक है तो देखिए यहाँ आपको पूरा आंसर भी दिया गया आप यहाँ मिला लीजिए कि चौथे में मैं पहला बताया था तो यहाँ देखिए चौथे में पहला दिया गया है पाँचवें में मैं वार्किंग डॉग सेल नंबर एट बताया था सी यहाँ दिया गया विच वर्ड करेक्टली स्पेल्ट ट्यूशन बताया था तो छः में ए दिया गया ट्यूशन राम के साथ मैं टोल्ड बताया था सी डी टोल्ड बताया गया कि आई सेव द रोम स्टाफ बताया था बी वाला बी तो इस तरह से इसमें दिया लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ क्यों होगा वो क्योंकि इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन भी आए ताकि आपको दिक्कत ना हो अब देखिए इसके बाद नवा क्वेश्चन जो आएगा आपका रीड द पैसेज गिवेन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो यहाँ ये मतलब आप पठित नहीं रहेगा पठित रहेगा आपकी किताब से आएगा ठीक प्रोज की जो किताब आपकी है ये तो यहाँ देखिए इन ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन दूसरा पार्ट नेल्सन मंडेला उससे एक यहाँ दिया गया तो आप इनको जरूर देख लीजिए हो सकता है इसमें क्वेश्चन सेम टू सेम भी आपको मिल जाए पेपर में तो देखिए वन डिड क्वेश्चन इसमें है तो इसको आप पढ़े हैं इसलिए मैं डिटेल नहीं पढ़ रहा हूँ आंसर समझा दे रहा हूँ वेन डि दिस इनाग्रेशन टेपेस्ट उद्घाटन कब हुआ था इनाग्रेशन उद्घाटन समारोह जो हुआ था सेरेमनी जिस दिन वो मतलब शपथ ग्रहण समारोह जिसको कहते हैं इनाग्रेशन मैंने उद्घाटन भी होता लेकिन यहाँ शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ था तो जब आप पढ़ेंगे देखिए ऑन द डे ऑफ़ इनाग्रेशन इनाग्रेशन के दिन को तो इसमें पिछले इसके पहले आया कि चौदह सॉरी दस मई को इनाग्रेशन हुआ था शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूरा पाठ पढ़े तो कभी कभी इस तरह से जानकारी भी चेक कर लिया जाता है डे ऑफ इनाग्रेशन को आप पता है कि नहीं किस दिन हुआ था तो दस मई को हुआ था तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा वेल वाट द एज ऑफ ऑथर दें तब लेखक की क्या उम्र थी तो लेखक की उम्र उस समय क्या थी आप देखिए अस्सी साल की उस समय उम्र थी तो इसका हिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा माय ओन एट्थ डिकेड एज ए मैन ठीक है करेंगे ना नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी एंड माय ओन एट्थ डिकेड के डिकेड डिकेड माने क्या होता दसक. दसक है दशक दशक किसको कहते हैं दस साल के समय को दशक कहते हैं एट माने आठ तो दस गुड़े आठ करेंगे तो अस्सी साल इस तरफ तो उस समय इनकी उम्र क्या थी अस्सी साल थी तो उसकी नेल्सन मंडेला के तो देखिए आपको नौ का बताया आपको बी दस का सी तो देखिए यहाँ आंसर भी दिया गया आप यहाँ इसको जरूर देख लीजिए तेरहवा क्वेश्चन आप सॉरी ग्यारह से तेरह क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोज लेसन पर आधारित तो भूमिकल्प ही दिए गए हैं तो देखते हैं क्या दिया गया लेंचो कंपेयर द लार्जेस्ट रेनी ड्रॉप्स लेंचो ने विशाल वर्षा की बूंदों की तुलना किया था किससे किया था हीरे से किया था डायमंड से सिल्वर चांदी के सिक्के से पल्स मोती से किया था न्यू कोइंस से किया था तो सी ऑप्शन आपका हंड्रेड परसेंट सही है तो वो कहा था कि डीज डीज हिल स्टोन्स या, या, या लॉज ड्रॉप्स रिजम्बल्स न्यू कोइंस नए सिक्के से मिलते जुलते थे ठीक है तो सी आला ऑप्शन आपका सही किताब में मिलता है अगला है वाट अर्ज देखिए ग्यारह सीदी है वाट अर्ज हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या उसे पहली फ्लाइट कर, बनाने के लिए पहली उड़ान बनाने के लिए उत्साहित उस, किया तो देखिए इसमें क्या है कि साइट ऑफिस करेज ये दोनों हैं तो इसलिए आपका बहुत एंड बी हो जाएगा और were द टू बेस्ट फ्रेंड दोस्त सच्चे मित्र कौन थे तो इसमें एक गेन माइडी है लेकिन ये आपके कोर्स में कट गया है इस वर्ष तीस परसेंट कम हो गया ना तो ये कम नहीं हुआ था उस हिसाब से पूरा बनाया गया क्योंकि बाद में बोर्ड परीक्षा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर तीस परसेंट कम कट कर दिए गए तो इसलिए ये पहले से ही मतलब एक्सीलेंट सॉल्व पेपर बना दिया गया था तो इसमें पूरा दिया गया तो आप इससे टेंशन ना लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा इस वर्ष ये भी देखिए द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल रिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग ये भी आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है तो ये भी कट गया है ठीक है तो आप इसको भी तैयार मत करिएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन कैमिलियन लुक्स लाइक एक ऐसे दिखता है तो उत्तर तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा डी रिजॉर्ट की तरह पोर्ट ऑफ द स्टेंजा इज कैरोलिन वेल्स लेकिन ये इस इस वर्ष आपके सिलेबस में अपनी किताब से ज़रूर आप इसको मिला लीजिए जो कटा है उसको मत पढ़िए तो आएगा इतना जानते रहें तो इसके स्थान पे जो आपके सिलेबस में उसमें से आएगा इसके बाद जो मैं बनाऊंगा मॉडल पेपर वो उसमें जो है ये सब नहीं रहेगा नए पैटर्न पर ही रहेगा ये सॉल्व किया गया था तो इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कन्फ्यूजन भी हो सकता है बच्चों को कि ये कहाँ है तो इसलिए मैं कन्फर्म सोच कर दूँ देखिए सोलह से बीस तरह के नंबर के क्वेश्चन जो रहेंगे सोलह हुआ क्वेश्चन से बीस तक तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन्स इन द बुक फोट प्रिंट्स विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो इसमें यह बताया फोट प्रिंस विदाउट फिट यानी कि जो आपकी सप्लीमेंट्री की कि जो किताब है उसी से आपको ये दिया रहेगा सोलह से बीस तक का सही ऑप्शन आपको बताना है तो देख लेते हैं हरी सिंह चेंज हिज नेम हरी सिंह अपना नाम बदलता था कब बदलता था मंथली हर महीने बदल देता था महीने भर में तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हु नाक डेट द डूर इन द मिड नाइट मिडनाइट मिड नाइट में दरवाज़ा कौन कटा दिए आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष ठीक है तो आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं तो आप आंसर देखना भी चाहें तो आप यहाँ देख भी सकते हैं तो सोलह में सी सत्रह में ए देखिए में बताया था सत्रह में इसमें वेटर है हो रेस वाज सफरिंग फ्राम ये भी आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल आप उत्तर देखना चाहते हैं तो आप इसका अठारह सी आपका हो जाएगा लेकिन इस वर्ष नहीं आएगा द इंसिडेंट वॉज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा डे अफेयर बाय इस ये आपके सिलेबस में है बिल्कुल आप इस करीब घटना को असाधारण मामला कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था कलर्जी मैन वाइफ के द्वारा ठीक है तो आपको यहाँ क्या है उन्नीस का बीस सॉरी क्लर्जी मैन के द्वारा कहा गया मतलब वो पाद जब आ, पादरी क्लर्जी मैन ने कहा कि देखा कि उसके धन गायब था तो उसने कहा कि वाट स्टार्ट ने फिर ये तो असाधारण मामला है तो क्लर्जी मैन कहा था ये उन्नीस में भी एबराइट वाज बॉर्न इन कहाँ पैदा हुए थे एवराइट तो रीडिंग में पैदा हुए थे रीडिंग एक स्थान का नाम है तो अब देखिए यहाँ आपको बीस में ए दिया गया है उन्नीस में बी दिया है तो जिसमें से आपको जो है पहला सलाम आपके सिलेबस में है सी वाला हो जाएगा हरी सिंह वाले में दूसरा सिलेबस में नहीं है तीसरा नहीं है चौथा में आपका क्लाजी माइन हो जाएगा ये सिलेबस में है सीडेंट वाज कॉल्ड पचवा बों में रीडिंग तीस इस तीस OMR, मतलब न, तो इस तरह से आपको बीस क्वेश्चन इस तरह से ओ एम आर पे देख दिया जाएगा तो इस तरह देखिए ओ एम आर आंसर सीट यहाँ दिया गया उत्तर माला की मतलब एक से बीस तक आप ओ एम आर भरेंगे ना तो इस तरह से पायल एम सी भरेंगे पचुन एम सी जिसमें जो भी सही है बी सी डी उस तरह से इसमें भर देंगे जैसे यहाँ कॉलम बनाया इसमें तो गोला करना पड़ेगा तो आई होप समझ में आ गया होगा ओ एम आर के क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें जो है आप गद्यांश अपठित और पठित दोनों रहेंगे ग्रामर के रहेंगे मिला के अब यहाँ उसी तरह के क्वेश्चन फिर गद्यांश आएंगे आपको डिटेल लिखने के लिए पचास नंबर के आएंगे इधर बीस नंबर आपका ओ एम आरफ़ में होगा पचास रिटर्न में होगा देखिए पचास में क्या है इधर देख लीजिए ये आपका आंसर सी पैसे जिस तरह से आएगा तो आप इसको वीडियो को पास करके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आपके पास किताब है तो किताब से भी पढ़ सकते हैं देखिए यहाँ क्वेश्चन का मैं आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्टली व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो इसमें जो है इसका आंसर खोजना आपको है देखिए ट्रिक तो बता ही दिए थे पहले आप ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है आप पढ़ते चले जाइए ग्लोबल वार्मिंग आपका आ, इसमें ऑप्शनल आप तो है नहीं तो आप ट्रिक बना लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हल करने की ट्रिक क्या है कि पहले की ले लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के जहाँ भी आएगा तो पता चल जाएगा क्या है विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस क्या है मेन ग्रीन हाउस गैस जिस लाइन में आएगा उसको आप ध्यान से पढ़ना है मेन्सन नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज गैसेज कई गैसेज मैने कई गैस ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसे आती है उसका नाम अगर आएगा तो आप बता देना विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेम एज वाइनिस पैसेज में किसका अर्थ है वो सामान है वाइनिस मैने गायब होना तो गायब होना की कौन सी अंग्रेजी आई इस तरह से आपको इस पर ध्यान देना है तो ये हल करने का तरीका है दो तरीके हैं क्योंकि बता दिए आपको एक बार पढ़िए आप इसको कुछ समझ में आएगा फिर और पढ़िए दो बार तीन बार पढ़िए तो कुछ समझ में आ जाएगा तब फिर क्वेश्चन पढ़िए फिर छाँटिए तो इस तरह से टाइम टेकिंग हो जाता है तो मैं आपको सात ट्रिक बता दे रहा हूँ आप फर्स्ट टाइम नहीं है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसी तरह से उसका की आप अपने दिमाग बैठा जाए कि इससे ग्लोबल वार्मिंग इसमें की है मेन ग्रीन हाउस अर्थ आए या ना आए नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसे यानी एक से ज़्यादा गैसों का नाम बताना है कि मीनस वायनिस यानी किसी का आर, मीनिंग वायनिस जिस माने गायब होना होता है तो उसको बताना इस तरह से ये थोड़ा सा वर्ड पावर मजबूत है जिसको वो कर पाएगा चौथा बाकी तो तीन तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको भी आप कर ही सकते हैं अंदाज कर भी कोई वर्ड लिख देंगे नहीं आ रहा हो तो सकता सही हो जाए छोड़ना नहीं क्वेश्चन सब करना तो देखिए पहला ग्लोबल अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन ग्रीन हाउस गैस और नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और बाइनस का मीनिंग चार प्रश्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं जहाँ उत्तर आ जाएगा वहाँ से आप लिख देना देखिए इस तरह से करना वी आल नो दैट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्निशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर्म्स इन द फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंट्स स्पेस एक्सप्लाटेशन क्लोजली लिंक टू एनर्जी बट द लास्ट सेंचुरी एक्टिविटीज फॉर एनर्जी बर्निंग इससे तरह से पढ़ते चले जाएंगे आप कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस लीडिंग टू इंक्रीज इन एवरेज बताएंगे कि मतलब ग्रीन हाउस गैस लीडिंग टू इंक्रीज इन एवरेज औसत से बढ़ जाती है ग्लोबल टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता तो विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है देखिए ग्लोबल वार्मिंग यहाँ मिल जा रहा है पहली बार तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग यही है तो इसमें मतलब तापमान बढ़ जाता तो है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यहीं से आपको ठीक है आपको यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा आंसर आपको लिखना है तो इसको अपने भाषा में आप बना के लिख सकते हैं देखिए यहाँ उत्तर आपको मिल जाएगा मैं समझा रहा हूँ कहाँ से लिखना है तो हिंट लेना वेन द टेम्परेचर ऑफ़ द होल एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ जब पूरी धरती का वातावरण के तापमान का पूरी धरती के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है इंक्रीज़ बढ़ जाता है इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है इस तरह से आपको यहाँ से आपको हिंट मिल गया ग्लोबल वार्मिंग ठीक है का अगर आप इस तरह से नहीं बना के लिख पा रहे हो तो आप यहाँ से ही लिख देंगे इतना तब भी आपको मिल ही जाएगा नंबर ठीक है लेकिन दूसरी जगह से आपको नहीं लिखना है ठीक चलिए देखते हैं आगे क्योंकि ये दो नंबर का रहेगा ना अगर आप सेम टू सेम लिख देंगे अपने भाषा में नहीं भी लिखेंगे तो दो में एक आपको मिल ही जाएगा नहीं तो दो भी मिल सकता है इसलिए आपको छोड़ना नहीं दूसरा क्वेश्चन क्या मेन ग्रीन हाउस ठीक है व्हाट इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस मेन ग्रीन हाउस गैस क्या है तो उसको भी देखना है तो कौन कौन सी गैसें आती हैं तो यहाँ पढ़ते जाइए जहाँ ज़्यादा गैसों का नाम आएगा वही रहेंगे ग्रीन हाउस गैस क्योंकि गैसेज हैं ग्रीन गैसे अब यहाँ पढ़ते जो व्हाट एक्चुअली इज द ऑन अर्थ एनर्जी बट द प्रेशर ऑफ है कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमोसफियर के मेन ग्रीन हाउस गैस की वाला आपको पता है मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन है विच इज मैने कौन है यानी एक ही आपको खोजना है इसके बाद जब उनके नाम की चर्चा की है तब कई गैसों को बताना हो उनमें कौन कौन से तो ग्रीन हाउस मुख्य ग्रीन हाउस गैस जब आप यहाँ देखिए पढ़ते चले जाएँगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा मिल गया है कि वाट एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन और फ्लिप्स द लॉट्स ऑफ एनर्जी बैक टू द एटमोसफियर बट द प्रेसर ऑफ हैवी कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर प्रिवेंट सम ऑफ दिस हीट स्केपिंग तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही मेन मेन जो है ग्रीन हाउस गैस है जस्ट एज ए ग्लास प्लास्टिक सीट स्टॉफ स्केपिंग हीट फ्रॉम द काल्ड ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस देखिए यहाँ क्या ना कि इसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को तो आपको देखिए यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस फिर इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो बाकी इससे जोड़ दो बस आपको अंतर हो जाएगा तीसरा अदर ग्रीन हाउस गैसेज का नाम बताओ तो पढ़ते चले जाइए देखिए कौन कौन सा नाम इसमें मिलता है आपको यहाँ पढ़ते चले जाएंगे द मेन ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड देखिए सेम टू सेम मिल ही गया आपको ऊपर भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो दूसरे का तो सेम मिल गया द सोर्स ऑफ दिस गैस इज फ्रॉम फोसाइल फ्लूल कंबिनेशन लाइक कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस मीथेन अब यहाँ देखिए मेथेन एक गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोबनस एंड न्यूट्रो नाइट्रस ऑक्साइड आर एम द अदर ग्रीन हाउस गैस अन्य ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं देखिए एक नाम मिल गया मेथेन क्लोरोफोल कार्बन एंड नाइट्रस ये तीनों हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा तो देख लीजिए यहाँ आंसर यही मिलेगा आपको अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर अन्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो नाम सभी का लिख दीजिए मेथेन क्लोरो फ्लोरोबनस एंड नाइट्रस ऑक्साइड अब अगला क्वेश्चन जो आपका देखिए बानिस दिया बैनिस माने गायब होना तो बैनिस का मतलब गायब होना तो इसमें जब पढ़ते चले जाएंगे आप अर्थ को तो मतलब इसको पढ़ेंगे जब पैराग्राफ को तो गायब होना कि इस तरह से पूरा पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एक शब्द मिलेगा डिसअपियर बिनित तसीम डिसअपियर माने भी होता है गायब होना तो ये आपके वर्ड पावर के ऊपर है अगर आपको पता है तो डिसअपियर इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ डिसअपियर दिया भी गया ठीक तो गायब होना का अंग्रेजी होता है अपीयर मैंने दिखाई पड़ना डिस अपील मैंने दिखाई ना, ना देना यानी इस तरह से आपको हम आई होप समझ में आ गया होगा कैसे हल किए करना है पैसेज बिना पढ़े ही आपको अच्छे नंबर पक्के कर लेंगे क्वेश्चन नंबर बाईस जो है आपका अगर राइट लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स तो ये आपको लेटर आएगा कि मतलब कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखो और उनसे शिकायत करो अगर इरेगुलर माने अनियमित रूप से डिलीवरी माने देना लेटर्स माने पत्र पत्र को अनियमित रूप से देता तो ये मानी कि मान लीजिए आप कोई पोस्टमैन आपको अच्छे से समझ पत्र नहीं दे रहा आपका आता है रखे रहता है तो इस तरह से जो है उसके लिए पोस्ट मास्टर मैंने होता है डाकपाल जो मतलब मेन होता है पोस्ट ऑफिस का तो उसको आप पत्र लिख के कंप्लेन करना इसमें उसमें लिखा लिखे रहते शिकायत तो पेट किया कि इसमें आप कोई भी सुझाव शिकायत हो तो आप पेट पत्र पेट में डाल दीजिए तो वही आप डाल दीजिए तो दूसरा क्वेश्चन इसमें है यू आर सुरेंद्र पाल सिंह आपका नाम सुरेंद्र पाल सिंह है रेजिडेंट ऑफ रथिका नगला कासगंज रथिका नगला कासगंज के आप रेजिडेंट वन निवासी हैं यू आर मच डिस्टर्ब्ड आप बहुत अधिक डिस्टर्ब हैं परेशान हैं बाय द फ्रीकुंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली के प्राय ना होने के नाते इन योर टाउन अपने कस्बे में राइट रिलेटेड टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर न्यूज़ पेपर के संपादक को एडिटर माने संपादक होता है पत्र लिखो ड्राविंग द अटेंशन मैंने उनका ध्यान दिलाओ टू द अथॉरिटीज अधिकारियों के प्रति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वन बिजली बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रति उनका ध्यान दिलाओ मिलाकर दूसरे में क्या करना है दूसरे में ये बता देना है कि आपको एक ही लिखना है पेपर में लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ दिए आंसर एनी वन ऑफ द दिन तो दोनों आपको बता दिया जा रहा है चाहे जो भी आप एक लिख सकते हो या दूसरा भी आएगा तब दूसरे में ये है कि आपको अपना नाम सुरेंद्र पाल सिंह बताना है क्योंकि पेपर में आपको नाम और एड्रेस आपका सही नहीं बताना है अपना नाम अगर इसमें दिया गया आपका नाम ये तब आप लिखिए अपना पता नहीं लिखना तो इसलिए इसमें पता दे दिया रतिका नगला काशगंज कासगंज आपको ज़िला बताना है नाम बताना है स्थान का नाम बताना अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है अपने जिले का यू आर मच अब उसके बाद ये बता देना है कि भाई बिजली आपके शहर में अक्सर नहीं रहती है और समाचार पत्र के संपादक को आप लिख लिख रहे हैं कि ताकि अपने पेपर में वो प्रकाशित कर दे और वहाँ के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं सबको पता चल जाए कि यहाँ इस क्षेत्र से बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं बिजली विभाग से तो ताकि वो अधिकारी लोग बिजली विभाग के कर्मचारियों को टाइट कर दें यानी कि उनको कढ़ाई से उनके ऊपर पेश आए कि क्यों आप लोग नहीं बना रहे हो देख रहे हो तो चलिए देख लेते हैं इसके दोनों का आंसर है इसमें किताब में दिया पेपर में आपको एक ही दिखना है पहले आपको देखिए पता लिख देना है ठीक है उसके बाद जो है पहले का मतलब पोस्ट मास्टर वाले में तो आपको आपका पता सही पता ना डाल के कोई भी पता अपने इर्द गिर्द का अपने जिले का डाल दीजिए आप तो पता आप लिख देंगे यहाँ देखिए हापुर लिख दिया गया अठारह बीस गली बारह बाजार तो यहाँ आपको अपने ग्राम का नाम गली का नाम अठारह उन्नीस जो भी मर्जी लिख दो कोई देखने वाला नहीं है कौन सी गली है कोई एक नंबर आप डाल सकते हैं अपना स्थान कोई स्थान बता दीजिए अपने एरिए का और ज़िला बता दीजिए ठीक है उसके बाद आप दिनांक डाल दीजिए तो इसमें देखिए एक्सीलेंट में, में बाएँ साइड में दिया लेकिन कोई ऐसी जरूरी नहीं है आप दाएँ साइड में भी लिख सकते हो ठीक है इसको भी इसको तो पम्बा साइड में ही लिखा यहाँ द पोस्ट मास्टर लिखा ना तो यहाँ आप टू भी लगा सकते हैं अपने मन से टू द प्रिंसिपल जिससे टू द पोस्ट मास्टर हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस हापुड़ यानी अपने ज़िले का नाम लिख देंगे सर ठीक है ये ये पोस्टमैन की कंप्लेन करने के लिए आप लिख रहे लिखें आए मे तो मैं इसका अर्थ भी समझा दे रहा हूँ किताब में आपको दिया ही गया है इसमें हल कर किया गया है तो मैं आपकी सुविधा के लिए फटाफट बता दे रहा हूँ बाकी आप डिटेल अगर अप्लीकेशन मास्टर वीडियो बाय रमेश सर सर्च करेंगे लेटर और अप्लीकेशन मास्टर वीडियो क्लास टेंथ बायर मिसर तो आपको पूरा मिल जाएगा आ, चैनल पे हमारे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं पूरे क्लास टेंथ एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से है राजू प्रकाशन ग्रामर के नाम से भी तो उसमें भी आपको मिल जाएगा तो चलिए कुछ मतलब इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर आप निकाल सकते हैं अगर आप ठीक है वहाँ से भी देख सकते हैं आई एम वेरी सॉरी टू रिपोर्ट दैट मुझे यह सूचना देते हुए खबर देते हुए बहुत दुख हुआ हो रहा है कि यानी कि बहुत दुख के साथ मैं सूचन सूचित करना पड़ रहा है मुझे कि द पोस्ट मैन डाकिया रमन वर्मा किसी कोई भी नाम बता दो किसी डाकिया का हैज डिसप्लेसड आलमोस्ट ऑफ ऑल द पीपुल लिविंग इन द लोकल्टी हैज़ डिसप्लेज मैंने आप प्रसन्न कर दिया ऑलमोस्ट मैंने लगभग ऑल द पीपल सभी लोगों को लिविंग इन द लोकाल्टी इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को क्या आप प्रसन्न किया है हिज वर्क एंड बिहेवियर बहुत उसका कार्य और व्यवहार दोनों आर अनसेटिस्फैक्ट्री माने असंतोषजनक है हिज वेरी रेगुलर व बहुत अनियमित रहता है मतलब नियमित रूप से नहीं आता है रूड माने असभ्य है केयरलेस लापरवाह समटाइम्स ही डेलीवर्स माई लेटेस्ट टू अदर कभी कभी वो मेरा पत्र दूसरों को दे देता है डेलीवर्स मैंने देना अदर पर्सन दूसरे व्यक्ति को देता है एंड देय टू मी और उनका मुझे दे देता है मतलब इतना लापरवाह मेन इंपॉर्टेंट लेटर्स दस नेवर रीच द राइट पर्सन इस प्रकार कई महत्वपूर्ण पत्र कभी सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं एवरी बॉडी इन द लोकाल्टी इज डिस विथ हिज बिहेवियर इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उसके व्यवहार से अप्रसन्न है वी हैव रिक्वेस्टेड हिम मेनी टाइम्स टू बी केयरफुल बट नो इफेक्ट हम उससे कई बार प्रार्थना किए हैं कि वह सावधान रहे ऐसा करने में अपने पत्र को बांटने में बट नोट टू नो इफेक्ट लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा आई होप यू विल इंक्वायर इं टू द मैटर मैं ऐसा करता हूँ कि आप लुक हाँ इंक्वायर इंटू मैंने जांच पड़ताल करना आप इस मामले की हाँ जांच पड़ताल करेंगे एंड ट्राई टू सेंड सम अदर मैन इन हिज प्लेस और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजेंगे बिफोर बी डिमोन्स्ट्रेट ठीक है इस बिफोर माने इससे पहले कि बी डिमोन्स्ट्रेट कि हम कुछ और संकेत करें अब यहाँ देखिए थैंकिंग यू लिख के योर स्वेत लिख लिदी इसको आप इधर दाएं साइड में भी लिख सकते हैं आपको धन्यवाद कि भाई आप ठीक है योशफेद uh, फुल्ली आपका विश्वास पात्र तो आप इस तरह से आप इसको लिखेंगे पोस्ट मास्टर को धन्यवाद भी दे देंगे कि आपको धन्यवाद कि आप इस तरह से व्यवस्था बनाए हैं यो सफेद फुल्ली करके आप, आपको जो है येस वाई जेड कर देना ठीक है आपका ठीक है सच्चा जो है आ, पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ने वाला आ, या मतलब कि कस्टमर जो है आ, तो येस वाई जेड का देना है या ए बी सी भी कर सकते हैं यानी कि नाम आपको नहीं लिखना है ठीक है तो योर्सफेद फेथफुली लिखना इतना ध्यान देना थैंकिंग यू करके योर्सफेद फेथफुली लिख देना है एक्स वाई जेड का देना है पोस्ट मास्टर के लिए अगला देखिए जो इसमें दिया है, दूसरा आपको अब नाम बताना है कि सुरेंद्र आपका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह और गल आस्थान ये है कि आपको लिखना क्या है कि दूसरे वाले में एडिटर को लिखना है तो इसको कैसे लिखा जाएगा इसको बता दें देखिए पार्स नाम लिख दीजिए राति का अन्ना अगला काशगंज जो उसमें पता दिए उसको लिख दीजिए दिनांक डाल दीजिए एडिट द एडिटर लिखिए या टू द एडिटर टू भी लगा सकते हो ऊपर टू द एडिटर करके टाइम्स ऑफ इंडिया यानी समाचार पत्र के संपादक को द हिंदुस्तान टाइम्स जिसके संपादक को लिखना उसको लिख दीजिए दा दा नि जागर दाला जिले का नाम लिख दीजिए इसमें मेरठ लिखे आप अपने जिले का नाम लिख सकते हैं विषय भी आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट मन में फ्रीकुवेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राय बिजली का ना होना ब्रेकडाउन माने ख़राब होना या ना होना उसके बारे में आप देखिए कंप्लेन कैसे करेंगे पेपर में एडिटर को थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्स न्यूज पेपर मैंने आपके प्रमुख समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से कालम इज खाना स्तंभ यानी कि आपके प्रमुख समाचार के पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू द फैक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन मैंने मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ टू द ऑफ़ द कंसर्न मान संबंधित अथॉरिटीज अधिकारियों को टू द फैक्ट मैंने तथ्य की तरफ मैं संबंधित अधिकारियों के इस तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ दैट देर आर फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन कि हमारे कस्बे में प्राय बिजली ख़राब रहती है दिस कॉज क्वालि ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया इस कारण सिर्फ क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक इनकन्वीनियंस होने असुविधा होती है और स्टूडेंट्स फील ग्रेट ट्रबल विद्यार्थी अत्यधिक कष्ट महसूस करते हैं डार्कनेस प्रियल्स ऑल अराउंड एट नाइट रात को चारों ओर अंधकार छाया रहता है आई होप दैट ऑल दैट द अथॉरिटीज़ विल रियलाइज़ आवर डिफ़िकल्टीज मैं आशा करता हूँ कि अधिकारी लोग हमारी कठिनाइयों को महसूस करेंगे एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन द मास्टर इस मामले में आवश्यक कदम उठाएंगे थैंकिंग यू आपको धन्यवाद कि आप इस तरह से न्यूज़ पेपर की सुविधा दे रहे हैं यो स्ट्रोली करके आप को जो है एक्स ट्रिपल एक्स लिख दिए हैं या एक्स वाई आप जेट लिख दीजिए या ए बी सी इसको आप बाएँ साइड के लाओ दाएँ साइड में भी लिख सकते हैं तो आई होप दोनों में से एक ही आपको लिखना है अगर कोई आ जाएगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं नहीं तो बना कर भी लिख सकते हैं बाकी इसके ऊपर मैं एक्सीलेंट के काफ़ी आप वीडियोज़ आपको बना चुका हूँ या और राजीव प्रकाशन के भी सर्च करेंगे एप्लीकेशन और लेटर रमेश सर क्लास टेन तो आपको मिल जाएगा देखिए तेईस नंबर का क्वेश्चन को क्या है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एट्टी टू हंड्रेड तो यहाँ आपको क्या करना निबंध लिखने के लिए, के लिए कहा गया है ए सीन एट रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर कोई दृश्य है उसको उसके बारे में आपको लिखना है हिंट आपको दिए रहेंगे जैसे एक्साइटिंग माने उत्तेजना आप बताना है प्लेटफॉर्म बताना स्टॉल्स माने वहाँ कुछ दुकानें हैं बताना है पैसेंजर्स यात्री के बारे में बताना ट्रेन वहाँ आ रही हैं भाई प्लेटफॉर्म में तो उसको बताना ये राइट माने आने आई जब कब आई थी कागमन सामान पोर्टर्स माने कुली का के बारे में थोड़ा सा बता देना फन माने वहाँ मजा या मनोरंजन या खेल के साधन इस सब क्या आपको मिला उसको बता दो कि विजिट माने भ्रमण आप क्या कहाँ का ये सब बता दो मतलब ये हिंट है इसी से हिंट से के ऊपर आपको सेंटेंस बना के लिखना है एक ये है और दूसरा यू आर देखिए गोइंग टू तो सम अदर सिटी यू स चिल्ड्रेन ऑफ योर एज वर्किंग इन दिस रोड साइड ढावास तो ये इस तरह से ये निबंध है और रिपोर्ट राइटिंग भी आपको आता है आर करके चाहे जो आप रिपोर्ट राइटिंग लिख दीजिए या निबंध लिखीजिए ये।, ये भी निबंध से ही रिलेटेड रहता है इसमें थोड़ा सा आपको टॉपिक दे देता है इस तरह से हिंटरना देख के उस टॉपिक के हिसाब से आपको सेंटेंस लिखना है देखिए दूसरा क्या करें यू आर गोइंग टू सम अदर सिटी आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं मान लीजिए यू से चिल्ड्रेन ऑफ योर एज से मैंने कहना आप अपनी उम्र के बच्चों को से माने कहे कहना नहीं होना चाहिए यहाँ यस ए डब्ल्यू रहना चाहिए थे आपने देखा अपने उम्र के बच्चों को आप वर्किंग इन रोड साइड ढाबा सड़क के किनारे ढाबा पर काम करते हुए आपने देखा यू वर मूव्ड टू सी देर कंडीशन आप उनकी दशा को देखने के लिए मूवड माने वहाँ चले गए ठीक है गतिमान हुए या नहीं चले गए राइट एंड एफ्ट आर्टिकल एक लेख लिखो आर्टिकल मिस में लेख हाई द पुअर कंडीशन माने यह हाई लाइटिंग मैंने प्रकाश डालते हो पुअर कंडीशन गरीब पुअर में ख़राब ही होता है खराब कंडीशन मैंने दशा के बारे में द चिल्ड्रेन हैव टू वर्क इन जिसमें बच्चे काम करने पड़ता है तो इस तरह से मतलब ढाबा पे बच्चे कुछ काम करने वाले हैं आप कहीं जा रहे थे दूसरे शहर वहाँ देख लिए तो उनके दयनीय दशा के बारे में आपको लिख देना है तो अब ये देखिए टॉप टॉपिक दिया तो इसके बारे में यहाँ भी हिंट नीचे दिया गया है इस तरह से कहानी थोड़ा सा घूम के बनाने के बाद रिपोर्ट राइटिंग करने के बाद हिंट भी दिया हिंट में क्या क्या कि सोसाइटी समाज के बारे में लिखना है बैलू मान्य मूल्य मैटरनल मतलब उनके माता पिता से संबंधित बातें लिखना है ढाबा चाइल्ड बच्चे के बारे में लिखना ढाबे के बारे में पीटी दया के बारे में लिखना उन बच्चों को देखा आपके अंदर दरिया अति उसको बारे में लिखना सपोर्ट कैसे बच्चों को हो सकता है उसके बारे में लिखना है एडल्ट माने बड़े वयस्क लोगों के बारे में बड़े लोग को उनके बारे में क्या सोचना चाहिए उसके बारे में लिखना चाहिए प्रैक्टिस माने प्रथा या अभ्यास उनकी इस तरह की प्रथा जो है बच्चों से काम कराने की इसके बारे में लिखना बाइंड वाने बच्चों से काम कराने के रोग के बारे में लिखना तो इस तरह से आपको हिंट दिए गए यहाँ देखिए दोनों का आंसर दिया गया मैं फटाफट पढ़ के इसका आंसर बता दे रहा हूँ देखिए सीन एट रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर दृश्य ए सीन एट रेलवे स्टेशन इज़ वेरी एक्साइटिंग बता दी कि एक्साइटिंग के ऊपर परसेंटेज बना दिया ना कि रेलवे स्टेशन पर एक दृश्य बहुत आकर्षक होता है लास्ट संडे आई विजिटेड देर में पिछले शनिवार को पिछले रविवार को मैं वहाँ गया क्योंकि विजिट भी बताना देखिए लास्ट में भले दिया है उसको आप, आपके वाक्य में चाहे जहाँ भी आ सकते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से क्रम से बता दे जाएंगे तो सभी वर्ड्स मिला के कहीं भी लिख सकते हैं अब बता दें कि पिछले रविवार को मैं वहाँ गया था रेलवे स्टेशन पर द प्लेटफार्म वाज फुल्ली क्राउडेड प्लेटफार्म पूरी तरह से भरा हुआ था भरा हुआ था देर क्राउड मैंने भीड़ भाड़ से भरा हुआ था देर वार बैरियस स्टॉल्स स्टॉल के बारे में वाक्य बना दी कि वहाँ पर कई स्टॉल्स मैंने दुकानें थी दीज सोल्ड टी स्नैक्स बुक्स पकौड़ाज एंड पूड़ी स्वीट्स कोल्ड ड्रिंक्स सी टी ये मतलब दुकानों पर जो है सोल्ड मैंने बिकते थे इन दुकानों पर चाय नाश्ता किताबें पकौड़ा पूड़ी स्वीट मिठाई कोल्ड ड्रिंक इत्यादि मिलते थे पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर द ट्रेन पैसेंजर लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे इट वॉज ए काइंड ऑफ मिनी इंडिया यह एक प्रकार का मिनी इंडिया था छोटा सा इंडिया था वहाँ से लग रहा था कि भारत का एक छोटी सी आबादी यहाँ पर है मिनी इंडिया की तरह लगता था देयर वर पैसेंजर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी स्टेट लगभग प्रत्येक राज्य के यात्री थे द ट्रेन से राइव जब ट्रेन आई तो आने के बारे में अराइव के बारे में बताना कि तो आप बताओ जब ट्रेन आए देर वाज हेल लेट लूज तब बहुत ज़्यादा वहाँ पर अफरत तफरी इधर उधर आने जाने लगे लोग बट वेन दीज हाइड लेफ्ट जब लेकिन मतलब कि जब लोग उतर सब लोग लेफ्ट माने छोड़ दिए ट्रेन को यानी उतर गए देर वाज नो एक्टिविटी तब तो वहाँ कोई सक्रियता नहीं थी पोर्टर्स वर सीना पोर्टर्स बारे में वाक्य बना देना है कुली को भी देखा गया कैरिंग बाइक्स एंड baggage माने बाइस एंड baggage माने सारा सामान वे अपने पूरे सामान को लेकर जा रहे थे लोगों के सामान को बाइक्स एंड वैगेज मानी सामान को लेके जा रहे थे इन शॉर्ट इट वॉज़ ग्रीन ग्रेट फन टू विजिट देयर संक्षेप में वहाँ पर मतलब भ्रमण करना बहुत फन माने मज़ा से अत्यधिक मज़ा आया ठीक है तो इस तरह से फन के बारे में भी सेंटेंस लिख देना कि उस दृश्य को देखकर बहुत मज़ा आया तो इसमें देखिए एक ही लिखना है पेपर में लेकिन दो दिया दोनों में समझा दे रहा हूँ क्योंकि बाई चांस कोई आ ही जाए तो आप इस तरह से बना के लिख सकते हैं और आपको का आइडिया मिल जाएगा चाइल्ड लेबर सोशल क्राइम ठीक है बाल श्रम एक सामाजिक अपराध इसके बारे में लिखना है देखिए चाइल्ड रम चाइल्ड लेबर इन आवर सोसाइटी हैज़ रियली डिफीटेड और कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज़ बाल श्रम ने हमारे समाज में वास्तव में डिफीट डिफेस्ट माने क्या था डिफेस्ट माने अपमानित कर दिया है और कल्चरल हमारे सांस्कृतिक एंड एं सोशल माने सामाजिक वैल्यूज़ माने मूल्यों को इस तरह से वैल्यू के बारे में बताना सोशल वैल्यू बाल श्रम ने हमारे वास्तव में हमारे सांस्कृतिक और सामा... सामाजिक मूल्यों को क्या किया है अपमानित किया है आई हैव रिसेंटली सीन सच एन एग्जाम्पल मैं हाल ही में ऐसा एक उदाहरण देखा हूँ आई वॉज ऑन माई वे टू माई मैटरनल अंकल सिटी मैं अपने ठीक है मैटरनल अंकल माने क्या होता था माओसा भी होता मामा भी होता फुप्पा भी होता कहीं होता था आप मामा ही कर दीजिए आई वाज़ ऑन माई वे टू माई माई मैटरनल अंकल सिटी मैं अपने आ, मतलब मामा के शहर के रास्ते में था मतलब मान लीजिए अपने मामा के यहाँ घूमने जा रहे थे तो वहाँ पर आप देखें आफ्टर ड्राइविंग फॉर अबाउट फोर आवर्स चार घंटे ड्राइविंग गाड़ी चलाने के बाद माई फादर्स स्टाफ द कार नियर ए रोड साइड ढाबा मेरे पिताजी ने सड़क के किनारे ढाबा पर गाड़ी रोकी वी साइट आई डाइनिंग टेबल हम भोजन करने की मेज पर बैठे हुए थे एट दैट टाइम उसी समय आई आयिस्टाई हारिव फिक्स साइट मैंने एक भयानक दृश्य देखा द पर्सन व्यक्त हुई स्टार्टेड कीपिंग ग्लासेज एंड प्लेट्स फार जो आदमी जो स्टार्टेड कीपिंग मैंने लाना शुरू कर दिया ग्लासेज कीप में से रखना स्टार्ट में शुरू करना ग्लास ग्लासेज ग्लास और प्लेट रखना शुरू की दिया फार हमारे लिए वाज ए चाइल्ड ऑफ माई एज वह मेरी उम्र का एक बच्चा था ऐसा आंदर मच यंगर चाइल्ड मैं दूसरे अधिक छोटे बच्चों को भी देखा वॉशिंग डिसज एट कॉर्नर ऑफ द ढाबा जो ढाबा के कोने में तस्तरीओं को वॉसिंग मैंने धो रहे थे आई फेल्ट पी टी फारद मुझे उनको देखकर बहुत दया महसूस हुआ देयर वर्क अदर चिल्ड्रेन आल्सो ड्यूइंग सच ओड वर्क दूसरे बच्चे भी ऐसे काम करने वाले वहाँ पर थे ऐसे ओड मैंने विचित्र विचित्र काम को कर रहे थे वो द ढाबा ओनर वॉज कंटिन्यूली स्क्रीमिंग ऐट दोज किट्स ढाबा मालिक मालिक कंटिन्यूली लगातार स्क्रीमिंग मैंने डांट रहा था चीख रहा था उन पर चिल्ला रहा था एट दोज किड्स उन बच्चों को पर बहुत चिल्ला रहा था कि काम क्यों नहीं करते इस तरह से उनके दैनी दर्शक को बताना तभी तक आपको पीटी आएगी एंड समाइम्स और कभी कभी ही इवेंट्स लाइफ दे में वहाँ यहाँ तक कि उन्हें इस लाइफ में थप्पड़ मार देता था किड्स ऑफ पुअर पीपल गरीब लोगों के बच्चे ऑफ एंड हैव टू वर्क टू सपोर्ट देअर फैमिलीज को अपने परिवार के सपोर्ट के लिए समर्थन के लिए मदद के लिए जो है काम करना पड़ता है गरीब परिवार के बच्चों को प्राय अपने परिवार की मदद करने के लिए काम करना पड़ता था तो इस तरह से उनकी दैनीय दशा बताना है फैमिली के बारे में बताना मोर डिप्रेसिंग इज अधिक डिप्रेसिंग मान निराशाजनक इज माने है द ट्रीटमेंट माने ट तो इलाज होता है या बर्ताव भी होता है यहाँ बर्ताव हो गया व्यवहार उस ठीक है अत्यधिक निराशाजनक तो वह बर्ताव होता है दे गेट एट द हैंड्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज एम्प्लायर्स जो वे अपने नियुक्त करने वालों के हाथों प्राप्त करते हैं इम्प्लायज मैंने नियुक्त करने वाला यानी जो उनको काम पर रखना है एंड अदर पीपल और दूसरे लोगों के द्वारा उनका मतलब ट्रीटमेंट उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता तो ये अत्यधिक डिप्रेसिंग है वेन दिस चाइल्ड ग्रोज इन टू आई नब ये बच्चे बड़े होके okay, वयस्क होते हैं तो वयस्क के बारे में भी लिखना है ना ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू दोसाइटी तब वह समाज के लिए सार कंट्रीब्यूट माने योगदान देना तो वह वह योगदान नहीं दे सकता मीनिंगफुलिस सार्थक ढंग से टू द सोसाइटी समाज के लिए हेंस दिस प्रैक्टिस इसलिए प्रैक्टिस के बारे में भी लिखना था वाक्य आपको तो बताना था प्रैक्टिस माने प्रथा इसलिए इस प्रथा को ऑफ चाइल्ड लेबर माने बाल श्रम इसलिए बाल श्रम की इस प्रथा को मस्ट बी बाइंड अवश्य रोक लगा देना चाहिए तो आई होप इस तरह से आपको अर्थ समझना है निबंध कोई भी हो तो आप उसके बारे में अपने हिसाब से आप लिखने का प्रयास करिए तो थोड़ा सा हिंदी बता दिए इससे आपको आइडिया मिल गया तो इस तरह से आपको हिंदी में सोच कर इंग्लिश में लिख देना है चौबीस नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा रीट राइट दि फॉलोइंग बाई चेंजिंग इन टू इन स्पीच इंडायरेक्ट स्पीच आया है चलिए बता दे इसका भी आंसर ही सेट टू मी वह मुझसे कहा डू यू हैव एनी गुड डिक्शनरी क्या आपके पास कोई गुड डिक्सनरी अच्छी डिक्शनी है तो प्रश्नवाचक है तो सेट को आज बदले ही asked में ये फर्स्ट टाइप है तो इफ़ हो जाएगा यू को me के अनुसार हो जाएगा आई और डू तो है ठीक है तो अब डू के साथ यहाँ है फर्स्ट फॉर्म है तो ये इसमें नॉट नहीं है तो डू हट जाएगा तो have का सेकंड फॉर्म हो जाएगा had यहाँ ठीक है तो इफ़ आई हैड एनी गुड डिक्शनरी ये इसका आंसर हो जाएगा चौबीस का ए देखिए यहाँ आंसर आपको मिल भी जाएगा देखिए यहाँ चौबीस का ए कहाँ मिलेगा आपको पूरा आपको इसके बाद आपको मिलेगा चौबीस का ए देखिए यहाँ दिया गया हीस्ट मी इफ आई हैड एनी गुड डिक्शनरी देखिए यहाँ दिया भी गया है दूसरा देखते हैं ही टाट मी ग्रामर वह मुझे ग्रामर पढ़ाया तो इसमें मी का क्या हो जाएगा आई वाज टाट ठीक है ग्रामर बाई हिम ऐसे कह दीजिए या ठीक है तो देखिए आंसर दिया गया आई वॉज स्टार्ट ग्रामर बाय हिम अब आगे देख लेते हैं हम पंचुएसन देख लीजिए राम सेट टू हिम राम ने उससे कहा इज योर ब्रदर डूइंग क्या तुम्हारा भाई डूइंग मैंने कर रहा है वाट इज योर ब्रदर डूंग तुम्हारा भाई क्या कर रहा तो यहां है तो यहाँ पंचुएट है तो अक्सर ये डायरेक्ट स्पीच ही आ जाता है तो इसमें पहला अक्षर बड़े से लिखना चाहिए बड़े से कहाँ लिखना चाहिए कहाँ फुल स्टाफ कहाँ काम है इन्वर्टर काम ये सब सारे नियम आपको पालन करने पड़ते हैं तो देखिए पहली बात तो आर को बड़े कर दीजिए आर बड़े हो जाएगा हिम के बाद काम रहेगा इन्वर्टर काम फिर डब्लू बड़े हो जाएगा ठीक है उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक ला इन्वर्टर काम बंद करेंगे तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ आपको मिले भी, लिखा भी गया है यहाँ देख लीजिए राम सेट टू हीम आर बड़े काम है इन्वर्ट काम वाट में डब्लू बड़े कर दें क्योंकि इन्वर्टर काम है पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है डूइंग बात प्रश्नवाचक ला के इन्वर्टर काम बंद कर देंगे चलिए डी वाला देख लेते हैं डी वाला यहाँ ट्रांसलेशन दिया है सुकरात अपने समय का महान दार्शनिक था ठीक है तो सुकरात वाज ए ग्रेट फिलासफर ऑफ हिज टाइम उसका इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ गया सुकरात वाज ए ग्रेट फिलासफर ऑफ हिज टाइम वह उसका जीवन बहुत सादा था तो इसका अंग्रेजी हो गया हिज लाइफ वाज वेरी सिंपल उसका जीवन था बहुत सादा वह बड़े बड़े प्रेम से लोगों को शिक्षाएं दिया करता था तो जाएगा ही यूज टू गिव लेस लेसन्स मैंने शिक्षाएं भी होता है या टीचिंग्स भी कह सकते हो टू द पीपुल विथ ग्रेट लव माने बड़े प्यार से हम वह धीरे धीरे अत्यंत लोकप्रिय होने लगा मैंने हेंस लगा दिया हिंस माने इसीलिए इसीलिए वह धीरे धीरे दे, इससे सॉरी इस, इससे इससे या इसीलिए कंग्रेज हेंस होता हेंस इस इससे या इसलिए ही ग्रेजुअली मैंने वह धीरे धीरे बीकेम वेरी पॉपुलर बहुत लोकप्रिय होने लगा ठीक है होने लगा या हो गया बात है कि वह या बी कैम बी केम की जगह बी टू भी कह सकते हो अगला आपका सेंटेंस जो था देश के शासकों को यह सहन न हुआ और उसे मृत्युदंड की सजा दी गई तो इसकी अंग्रेजी आपको यहाँ देखिए मिलेगा द रूलर्स ऑफ द कंट्री मैन देश के शासक कुड नाट टॉलरेट इसे सहन नहीं कर सकें एंड ही वॉज सेंटेंस टू डेथ और उसे मृत्युदंड की सजा दे दी है सेंटेंस टू डेथ माने मृत्युदंड तो की सजा देना और अगला सेंटेंस आपको क्या था विद्वानों के हृदय में सुकरात आज भी जीवित है तो सुकरात साटीज यह सुकरात को साज अंग्रेजी में लिखे लिखा गया तो सुकरात की अंग्रेजी में इज स्टिल्व माने आज भी जीवित है इन द हर्ट्स ऑफ स्कॉलर्स माने विद्वानों के हृदय में स्कॉलर्स मैंने होता विद्वान क्लियर तो आई होप इस तरह से समझ में आ गया ये आप ट्रांसलेशन भी कर लेंगे बाकी आपको ट्रांसलेशन आपका कमजोर है तो आप पूरा एक्सीलेंट क्लास दस की किताब को ही ट्रांसलेशन पूरा मास्टर वीडियो भी सर्च करेंगे आपको आ जाएगा ट्रांसलेशन मास्टर वीडियो क्लास टेंथ फ्रॉम एक्सीलेंट बुक बाय रमेश सर सर्च कर लेना या फिर टें नहीं आता तो टेंस भी आप देख लेना प्ले में जाना तो बहुत अच्छे से आपका पूरा काम हो जाएगा चैनल पर अपलोडेड है वीडियो पच्चीस नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है कि आंसर द फॉलोइंग इन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स नियमलिखित का तीस से चालीस वर्ड में उत्तर दो तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन वाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग यंग सीगल ठीक है सीगल समुद्री चिड़िया होती है तो इस पर क्यों टांट में ताना मार रहे थे पूरा परिवार तो लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है इसको आप मत याद करिए विच इज द बेस्ट पीरियड फॉर विजिटिंग कुल ये इस वर्ष कटा है तीस परसेंट में ये नहीं है तो पहले का बता दिए थे तो आप इसके ऊपर टेंशन ना लीजिए दूसरा वाला दिया है व्हाट इज़ द विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर विजिटिंग कुर कर्क का भ्रमण करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा समय है वाई क्यों तो इसके बारे में आपको आंसर लिख देना है दोनों में से एक ही लिखना है। तो चलिए एक दूसरे का आंस, आंसर का मैं हिंदी बता दे रहा हूँ द बेस्ट पीरियड ऑफ विजिटिंग कुर इज़ फ्रॉम सितम्बर टू सेप्टेम्बर टू मार्च मतलब कि कुर का भ्रमण करने का सबसे अच्छा पीरियड जो है सितंबर से मार्च तक का है इट इज़ शो ऐसा इसलिए है बिकॉज क्योंकि इट इन रेनी सीजन वर्षा की रुतु में इट पोर्स डाउन हैवली हेयर यहाँ पर अत्यधिक भारी वर्षा होती है पोर्ट डाउन हैवली मतलब अत्यधिक वर्षा होना नो विजिटर गोज देयर ड्यू टू इट इसके कारण कोई विजिटर वहाँ नहीं जाता है दर्शक नहीं जाता है द पीरियड फ्राम सेप्टेम्बर टू मार्च आर वीदर आर मार्च द वीदर इज लवली सितंबर से मार्च तक का समय जो है मौसम जो है बहुत लवली मानी प्यारा होता है इस तरह से हो गया है। अगला दूसरा देखिए क्वेश्चन ये व्हाट डज द आनी फील दैट सी इज अलोन इन द वर्ल्ड मतलब कि व्हाई डजेंट अनी फील एनी फील एनी क्यों नहीं महसूस करती है दैट सी इज अलोन इन द वर्ल्ड कि वह संसार में अकेली तो है तो देखिए इसका आंसर एनी डजेंट फील दैट सी इज अलोन इन द वर्ल्ड एनी नहीं महसूस करती है कि वह संसार में अकेले हैं बिकॉज सी हैज़ लविंग ठीक है पेरेंट्स क्योंकि उसके बाद प्यार करने वाले माता पिता हैं ठीक है लविंग माने प्यारे माता पिता हैं एट सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड एल्डर सिस्टर और uh, सोलह साल की उसकी एल्डर सिस्टर माने बड़ी बहन है ठीक है जिसका नाम मोरग्रट है एंड अबाउट थर्टी पीपल लाइक और लगभग तीस लोग हैं उसके पास फ्रेंड्स जैसे दोस्त हैं परिवार हैं एंड सो मेनी आंस और उसके कई चाचियाँ भी हैं अब देखिए एक पहला क्वेश्चन इसमें आर करके एक क्वेश्चन और दिया है वैसे तो पेपर में एक ही लिखना है तो दूसरे के भी लेकिन मैं हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि आपको पेपर में चाहे जो एक लिख सकते हैं बाई चांस आ जाए तो व्हाट काइंड ऑफ फेथ डिड लेंच हैव इन गॉड किस प्रकार का विश्वास लेंचो भगवान में रखा था आंसर देखते हैं लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड लेंचो का भगवान में पूर्ण विश्वास था ही न्यू दैट गॉड हेल्प्स एवरी बॉडी वह जानता था कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति की क्या करते हैं मदद करते हैं हिज आइज कैन सी एवरीथिंग उसकी आंखें प्रत्येक चीज़ को देख लेती हैं इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज यहाँ तक कि व्यक्ति की आत्मा की गहराई में क्या है उसे भी देख लेते हैं नो बॉडी डाइज ऑफ हंगर बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस उसकी दयाल तक कारण कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है ये भी वो जानता था तो चलिए इसके बाद छब्बीस नंबर का देख लेते हैं छब्बीस नंबर पर आपका है तो छब्बीस नंबर में आपका देखिए पहला क्वेश्चन व्हाट वाज बली बली स्ट्रांगर डिजायर यहाँ पोस्ट ऑफिस लगना चाहिए बली की तीव्र इच्छा क्या थी स्ट्रांगर माने अधिक तीव्र या शक्तिशाली इच्छा क्या थी व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट इसे पूरा करने के लिए उसने क्या किया देखिए क्वेश्चन एक और है दूसरा व्हाट ट्रूथ ऑफ लाइफ डज़ गौतम बुद्ध गिव आउट इन हिज फर्स्ट सरमन पहले उपदेश में गौतम बुद्ध ने क्या जीवन का क्या सत्य बता दिया व्हाट मोरल टीचिंग्स डज ही प्लेज अबाउट द ट्रूथ्स ऑफ सफरिंग ऑफ लाइफ और सफरिंग ऑफ लाइफ व्हाट मोरल टीचिंग क्या नैतिक शिक्षा डज ही प्लेज उन्होंने उपदेश दिया अबाउट द ट्रूथ सच्चाई के बारे में और सफरिंग ऑफ लाइफ जीवन के कष्ट के बारे में जीवन के सच्चाई या कष्ट के बारे में उन्होंने क्या शिक्षाएँ दिया तो देखिए बली वाले मैडम राइट तो बस उस पार्ट से है सरमन ठीक है एट बनारस ये से है उसमें से है तो तो एक ही आपको लिखना पेपर में देखिए क्या कि क्या किया है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर एनी वन तो लेकिन दोनों का आंसर इसमें दिया है आपके सिलेबस में भी है इस बस इसलिए मैं फटाफट दोनों की हिंदी बता दे रहा हूँ ठीक ताकि आप कहानी जानते रहेंगे स्टोरी जानते रहेंगे तो कर ले जाएंगे बली वॉज एंड एट ईयर्स ओल्ड गर्ल ठीक है पहला बली के बारे में आपको है कि क्या उसकी तीव्र इच्छा थी कैसे पूरा की तो चलिए देखते हैं बली एक आठ साल की लड़की थी सी हैड नो प्लेमेट्स उसका कोई प्लेमेट्स मैंने खेलने वाला साथी नहीं था हर फेवरेट फास्ट टाइम उसका पसंदीदा मनोरंजन वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट द डोर ऑफ द हाउस घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना था एंड सी और देखना था वाट हैपेंड इन द स्ट्रीट आउटसाइड कि बाहर की गली में क्या हो रहा है ए बस वेंट फ्रॉम हर विलेज टू नियर बाई टाउन एक बस उसके गांव से पास के कस्बे में जाती थी द बस स्टैंड वाज नियर हर हाउस बस स्टैंड उसके घर के पास ही था सी सा पैसेंजर्स ऑफ द बस वह बस के यात्रियों को देखती थी एंड हार्ड देयर टॉक्स उनकी बात सुनती थी सी डेवलप्ड ए ग्रेट डिजायर टू राइड ऑन द बस वह बस पर सवारी करने की अत्यधिक इच्छा को जो है क्या की? एक बड़ी इच्छा को ग्रेट मिस महान या बड़ी इच्छा को डेवलपमेंट विकसित कर ली थी सोन सी स्टार्टेड पुटिंग हर डिज़ायर इन टू एनेक्शन शीघ्र अपनी इच्छा को कार में लेना शुरू कर दें सी लर्न फ्रॉम द निवर्स व पड़ोसियों से सीखे उसने उसे पता चला पता चलना सीखना टाक्स वेरियस तो वन लर्न सीखना वह पड़ोसियों तो से सीख लेती थी या पता लगा लेती थी या बस यात्रा के बारे में टाक्स वेरियस डिटेल्स अबाउट द बस बस के बारे में वैरियस मानी अनेक डिटेल्स मानी बीवर बीवरड के बारे में बातें करती थी तो ब्याोरा जुटा लेती थी सी न्यू दैट वह जानते थे कि द टाउन वाज सिक्स माइल्स फ्राम हर विलेज उसके गाँव से कस्बा छा मील है द फेयर वाज थर्टी पैसे वन ए एक रास्ते का यानी एक मार्ग का भाड़ा कितना है एक रास्ते का तैतीस पैसे था द ट्रिप टू द टाउन took फोर्टी फाइव मिनट्स कस्बे तक का भ्रमण पैंतालीस मिनट लगता था भ्रमण करने में कस्बे तक का द आफ्टरनून बस दोपहर के बाद की बस लेफ्ट एट वन ओ क्लाक इन द आफ्टरनून दोपहर में एक एक बजे अपराहन में निकलती थी बैक होम बाई अबाउट टू फोर्टी फाइव और लगभग दो पैंतालीस तक घर वापस आती थी फार हर राइड उसकी सवारी के लिए यानी अपनी सवारी के लिए हर भी उसका भी अपना होता है अपनी सवारी के लिए बली सेव्ड मनी फॉर फेयर भली किराए के लिए फेयर में किराया धन इकट्ठा कल्ली बचा लें सेव कर ली बचा लें बाई नॉट बाइंग पेपरमेंट्स कैसे बचाए ना खरीद करके पेपरमेंट नहीं खरीदी टॉयज नहीं खरीदी बैलूस नहीं खरीदी ये ठीक है तो ये टोकरियाँ जो है खिलौने और बैलूंस इत्यादि को ना खरीद करके बचाई वो आफ्टर सेविंग मनी धन बचाने के बाद सी रोड ऑन द बस वन डे वह एक दिन बस की क्या कर ली सवारी कर ली बस पर सवारी कर ली तो ये बलि के मतलब बारे में था उस कैसे उसने इच्छा पूरी की और उसकी क्या थी इच्छा थी तो चलिए दूसरा देख लेते हैं कि मतलब कि दूसरा क्वेश्चन जो इसमें किया कि गौतम बुद्ध ने क्या पहले शर्मन उपदेश में क्या मतलब उन्होंने दिया क्या शिक्षा दिया क्या सच्चाई बताया और इसकी नैतिक शिक्षा क्या थी जीवन के कष्ट के बारे में जीवन की सच्चाई के बारे में चलिए देख लेते हैं देखिए द बुद्ध से इन इज फर्स्ट तरमन बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा बुद्ध अपने पहले उपदेश में कहते हैं कि द्यू ह्यूमन लाइफ इज ब्रीफ मानव जीवन बहुत थोड़ा सा छोटा सा है ट्रबल ब्रीफ सनशिप में है ट्रबल्ड कस्ट में है एंड पेनफुल और दर्द से भरा हुआ है देर इज नो मीन्स ऐसा कोई साधन नहीं बाय जिससे वन कैन अवॉइड डाइंग व्यक्ति मरने से बच सकता है आए ड्राई फ्रूट्स जैसे पक्के फल फल गिर जाते हैं सो so मोर्टस उसी प्रकार से मरणशील व्यक्ति भी होते हैं मोर्टस माने होता है मरणशील व्यक्ति वन वार्न और यानी कि उसी तरह से मरणशील व्यक्ति भी होते हैं जो व्यक्ति हैं वो भी एक दिन मर जाते हैं गिर जाते हैं वन बार्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ जब से पैदा होते हैं व्यक्ति जो है व्यक्ति वो हमेशा मृत्यु के खतरे में रहते हैं बोथ यंग एंड एडल्ट दोनों जवान और वयस्क दोनों फूल्स एंड वाइज मूर्ख हो या बुद्धिमान हो फाल टू डेथ सबको मौत आती है फालमिसाना सभी मौत के अंदर आ जाते हैं मतलब मौत सबको आ जाती है वही फादर कांट सेव हिज सन फ्रॉम डेथ पिता अपने पुत्र को मौत से नहीं बचा सकता नार ना तो संबंधी उसके रिश्तेदार नार ना तो उसके संबंध है देर रिलेशन ना उनके रिश्तेदार कोई नहीं बचा सकता मोर्टल्स माने मरणशील व्यक्ति डाई उसी तरह से मर जाते हैं एज द बेसल्स ऑफ पोर्टल ब्रेक जैसे कि पॉटर माने होता है कुम्हार का बेटसल्स माने बर्तन जैसे कुम्हार का बर्तन जो है ब्रेक माने टूट जाता है दे आर लेड टू डेथ उन्हें मृत्यु तो तक ले जाया जाता है लाइक एन आइक्स आक्स जैसे कोई बैल टेकन फार फार्स माने बूचड़ खाने तक ले जाया जाता है कसाई घर तक ले जाया जाता है माने बध बध करने वाला स्थान यानी बूचर खाना ठीक है द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाई डेथ एंड डी के संसार मृत्यु तो द्वारा प्रभावित होता है एंड डी के और नष्ट हो जाता है संसार मतलब संसार के लोग मृत्यु तो से प्रभावित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं यानी कि एक दिन मर जाते हैं एनीमन विल नॉट ऑफ टेन पीस ऑफ माइंड कोई भी व्यक्ति विल नॉट ऑफ टेन प्राप्त नहीं कर पाएगा पीस ऑफ माइंड मानसिक शांति को फ्रॉम बीफिंग रोने से आर ग्रीविंग अथवा कष्ट ग्रीव माने दुख प्रकट करने से ऑन द कंट्रेरी माने इसके विपरीत अंदर कंट्री में इसके विपरीत या दूसरी ओर देखें तो हिज पेन विल भी ग्रेटर उसका दुख अधिक बढ़ जाएगा ग्रेटर मन बड़ा होना हिज बॉडी विल सफर उसका शरीर कष्ट सहेगा द डेड कांट सेव्ड फ्रॉम लेमेंटेशन मृतक जो है बिलाप से नहीं अपने आप को बचा सकते हैं कांट वी सेव्ड बच नहीं सकते हैं वन हु सीक्स पीस ऑफ माइंड वह व्यक्ति जो मानसिक शांति को खोजता है सेल सीख इट वाई से खोज पाएगा इफ़ ही ओवरकम्स आलसारोज यदि वह सभी दुखों पर विजय प्राप्त करेगा तभी वो मानसिक शांति खोल पाएगा द वाइज नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ बुद्धिमान लोग जीवन की सच्चाई को जानते हैं दोज हु आर बॉर्न आर टू डाई वन डे वे लोग जो पैदा हुए एक दिन उनको मरना है सो दे डोंट ग्रीव ऑन डेथ इसलिए वे दुख पर व्यक्त सॉरी मृत्यु पर दुख नहीं व्यक्त करते हैं दे आर ब्लेस्ड वे ब्लेस्ड माने धनी होते हैं आशीर्वाद से युक्त होते हैं सत्ताईस नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं इसमें शार्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल क्या आप रसपिंजल की कहानी जानते हो वाई डस सी वॉन्ट टू बी रेपुंजल वह रेपुंजल क्यों होना चाहती थी ये पोएट्री से आपको दिया गया है मांडा वाली स्टोरी से इसको आप लिख दीजिए इसका क्वेश्चन या फिर रिप्रोड्यूस फोर लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस डू नॉट कापी आउट द लाइन्स गिवन इन द्वेश्चन पेपर देखिए ये सत्ताइस नंबर जो आएगा ना इसमें आप चाहे तो पोट्री का क्वेश्चन लिखिए या फिर आप चार लाइन की कविता लिख के छुट्टी लिख लीजिए वैसे क्वेश्चन ना लिख के कविता का ऑप्शन आपके लिए बहुत बेटर है तो आप कविता चार चार लाइन दो कविता का याद कर लीजिए आराम से आपको आज हो जाएगी अगर आप कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे कविता कैसे याद किया जाएगा मैं गाने के माध्यम से उसको भी जो है याद कराया हूँ बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी अगर आप देखना चाहें तो क्लास टेंथ ठीक है के नाम से प्ले लिस्ट है उसमें देख लीजिए पोट्री और प्रोज चलिए देख लेते हैं फिलहाल हम चार लाइन की कविता ही आपको लिखना है हम मेरा यही सुझाव सुझाव रहेगा लेकिन मैं फिर भी फिलहाल अर्थ भी इसका बता दे रहा हूँ आप चाहे जो भी लिख सकते हैं रायपुंजलि इज द स्टोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल प्रिंस रायपुंजलि रै, रै, एक सुंदर राजकुमारी की कहानी है हुज स्टेप मदर जिसकी सौतीली मान की हर इन ए टावर उसे एक टावर में रख देती थी कैद कर ली थी विथ नो स्टेप स्टेप आट डोर जिसमें कोई स्टेप माने सीढ़ी सीढ़ी या दरवाज़ा नहीं था यहाँ सीढ़ी होगा स्टेप इन द इंड अंत में एक प्रिंस फॉल्स इन लव विथ हर एक राजकुमार उससे प्रेम कर लेता बोथ इसके पर दोनों भाग जाते हैं अमांडा वांट्स टू वी रायपुंजल रामेंडा रंजल होना चाहती टू लिव ए पीसफुल लाइफ इन ए टावर एक टावर में शांतिपूर्व जीवन बिताने के लिए ये रायपल एक परी की कहानी है तो उसमें जो है उसी उसी से इसकी तुलना कर दिया गया इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं नहीं तो आप कविता चार लाइन के लिए इसमें देखिए दूसरी कविता लिखा गया जो कि इस वर्ष सिलेबस में भी नहीं है तो आप अपने इस वर्ष जो सिलेबस में है आप उसको आराम से चार चार लाइन याद कर लीजिए बेहतर होगा आप फायर एंड आइस का याद कर लिए डिस ने शुरुआत की दोनों के चार चार लाइन याद करें जो मैं चैनल पे याद कराने की ट्रिक भी बताऊँ बहुत आराम से देखते ही वीडियो याद हो जाएगी अब देखिए इसमें देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए तीन आएगा एक आपको छोड़ना पहला फार एनिक ग्रेगरी ये छोड़ दीजिए ये टी एस की कविता थी अब सिलेबस में आपके इस वर्ष नहीं है इसको मत याद करिए ये त्री और फायर एंड आइस में से कोई लिख सकते हैं जाए जिस कविता का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं तो पहला डब्ल्यू बी की कविता है ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ दूसरे और तीसरे का मतलब मैं अर्थ बता दे रहा हूँ सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूँ ठीक है ट्री का और फॉरनडा इसका बी वाला पहले देखते हैं ट्री वाला सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूँ मैं तो इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट एड्रियन रिच एड्रियन रिच जो है सोच द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइन एंड नेचर मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को प्रकट करती है कांपिक मैं संघर्ष तो दिखाना है प्रकट करना हियर ए मैसेज इज गिवन बाय हर्ट बाय हर यहाँ उनके द्वारा एक संदेश दिया जाता है दैट की ए फ्यू ट्रीज इन आवर होम्स कि हमारे घरों में कुछ पेड़ कैन नॉट बी कॉल्ड नेचर को प्रकृति नहीं कहा जा सकता है द रियल नेचर इज आउटसाइड वास्तविक जो है प्रकृति जो है जो सचमुच प्रकृति है असली प्रकृति रियल रियलमिश असली असली प्रकृति इज आउटसाइड बाहर की तरफ है इन द जंगल जंगल में है आर ऑन द माउंटेन्स अथवा पर्वत पर है दैट मैन हैज़ ऑलरेडी डैमेज डिलट जिसे मनुष्य ने पहले से ही बहुत क्षति पहुंचाया है डैमिज छत पहुँचाना लाट में बहुत इट इज़ ऑलमोस्ट इिपेयरेबल लॉस यह एक अर लॉस लास्ट हान एक ऐसी हानि है जिससे इर रिपेयरेबल जिसकी मरम्मत कभी नहीं की जा सकती है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता अब चलिए इसके बाद वाले कविता जो थी आपकी फायर एंड आइस उसका भी सेंट्रल आइडिया जो इसमें दिया है इस आंसर उसको हम हिंदी बता देते हैं ताकि अगर आप नहीं याद किए तो आप यहीं से याद कर सकते हैं ठीक है अगर याद किए तो अच्छी बात है जो याद किए हैं वही आप लिख दीजिए देखिए दिस पोएम इज अबाउट द हाइपोथेटिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड ठीक है फायर एंड आइस किस्म के हैं हाइपोथेटिकल माने कल्पना करके इंड माने समाप्ति वर्ल्ड माने संसार तो संसार के काल्पनिक ढंग से समाप्ति के बारे में है द पोएट इक्वेट्स डिजायर विद फायर एंड हेट्रेड विथ आइस का भी इक्वेट्स समानता बताता है तुलना करते हुए समानता बताता है डिजायर मन इच्छा की विथ फायर आग से एंड हेट्रेड घेड़ा की आइस बर्फ से द डीओ इज ग्रोइंग विथ सच ए फास्ट स्पीड ठीक है तो इस तरह से तो डीओ इज ग्रोइंग डीओ माने वैसे तो जोड़ी होता है जो दो जो रहते हैं उनको डी कहते हैं दो व्यक्ति या वस्तु तो कहना कि दोनों जो है ग्रोइंग बढ़ रहे हैं विद विशेष फास्ट इतना तेज़ गति दोनों के मतलब से इच्छाएं भी बढ़ रहे हैं घृणा भी लोगों के अंदर बढ़ रही है तो दोनों इतना कहना कि तेज़ गति से बढ़ रहे हैं दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड कि जो है संसार विल कम टू एन एंड समाप्त हो जाएगा आइदर मने इन फायर या तो आग के द्वारा आर इन आइस अथवा बर्फ के द्वारा ठीक है तो यहाँ इच्छा और की तुलना फायर से और बर्फ़ की तुलना हिटर से किया गया तो वही चीज़ें इच्छा और घृणा इतना ज़्यादा दियोक मतलब दोनों जोड़ियाँ जोड़ी होता है ना दोनों मतलब वही इच्छाएँ और घृणा इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि संसार का अंत या तो आग से होगा या तो बर्फ से होगा इन द बिगिनिंग शुरुआत में ही सपोर्ट्स दो जो वह उनका सपोर्ट्स माने पक्ष लेता है समर्थन करता है हु फेवर हाँ सपोर्ट्स हुई सपोर्ट्स दोज वह उनका सपोर्ट करता है मदद करता है हु फेवर फायर जो फायर का समर्थन करते हैं फेयर मैंने पक्ष लेना बट इन द लेकिन अंत में दैट वह कहता है कि आइस इज आल्सो सफिसियंट कि बर्फ भी पर्याप्त है टू पेरिस दिस वर्ड इस संसार को माने नष्ट करने के लिए समाप्त करने के लिए तो इस तरह से यह इसका सेंट्रल आइडिया था चलिए अब उनतीस नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं उनतीस नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं राइट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दो तीस से चालीस वर्ड दो दिया है इसमें से भी एक ही लिखना है ठीक है तो देख लेते हैं मेंशन द पहला है इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट शोज लाइजल वाज ए सिंपल मैन एंड लव्ड हिज वाइफ तो ये लाइजल से लिया गया है और पाठ्य पुस्तक से उस उदाहरण का चर्चा करो सो, जो दिखाते हैं लाइजल वाज ए सिंपल मैन कि लाइजल एक साधारण आदमी था एंड लव्ड हिज वाइफ और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था ठीक है तो अब ये जो है आपका नेकलेस जो पार्ट है गले का हार जो है उससे लिया गया है सप्लीमेंट्री से हैं। और है और दूसरा हाउ डिड हैक ड्राइवर इस द करेक्टर ऑफ लेट किन्स ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पहला का आंसर मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ तो मिस्टर लाइजल वाज ए सिंपल पुअर क्लर्क तो मिस्टर लाइजल एक साधारण गरीब क्लर्क था ही वाज ए कंसिडरेबल हसबैंड कंसिडरेट हसबैंड मैंने वा बहुत दयावान कंसिडरेट मैंने विचारवान भी कह सकते विचारवान पति था ठीक है हू तो मेड एवरी सेक्रीफाइस जो बना सकता था प्रत्येक सहानुभूति को सेक्रीफाइस में त्याग बना सकता मतलब करना मेक सेक्रीफाइस में त्याग करना जो प्रत्येक ढंग से त्याग कर सकता था टू तो कीप हिज़ वाइफ हैप्पी अपने पत्नी को खुश रखने के लिए ही वॉज़ वेल सेटिस्फाइड विद द सिंपल फूड एट होम व घर पर जो साधारण भोजन उसके मिलता था उससे बहुत अच्छे ढंग से संतुष्ट था ही लाइट नेचुरल फ्लावर्स वह प्राकृतिक फूलों को पसंद करता था एलडेड टू हिज वाइफ एल्डेड मैंने झुक जाना वह डिमांड टू हिज वाइफ से डिमांड वह अपनी पत्नी की माँ के सामने झुक गया फॉर ए न्यू ड्रेस एक नाइट ड्रेस के लिए जो उसकी मांग थी ही स्लेफ्ट इन ए साइड रूम व एक बगल के कमरे में सो गया था वाइल ही सी डांस एक्साइटेडली जब वह उत्तेजनापूर्वक डांस कर रहे थे नृत्य कर रहे थे ही रेजड मनी टू बाई ए न्यू नेकल्स व एक नया हार खरीदने के लिए रेजड मनी मैंने धन का प्रबंध किया ही वॉज वेरी ऑनेस्ट व बहुत ही ईमानदार था सेल्फ सेक्रीफाइस मैंने था आत्म बलिदानी था हु लव्ड हिजॉय जो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था इनसे पता चल जाए कि वो सिंपल मैन और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था इन बातों को लिखने से तो चलिए फिर बी वाला तो इस सिलेबस में इस बार सहना तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीस है तो डिस्क्राइब टू भोलीज इन द स्टोरी स्टोरी में दो भोली का वर्णन करूँ मतलब है तो भोली एक ही लड़के लेकिन उस दो प्रकार से मतलब कैसे है दो भोली कैसे हैं तो इसका वर्णन करना है और राइट कैरेक्टर इसकी चपन अनिल का चरित्र लिखना है तो दोनों सप्लीमेंट्रीज हैं तो चलिए देख लेते हैं दोनों का आंसर बता देना क्योंकि पेपर में तो फिलहाल आपको एक ही लिखना है लेकिन मैं आंसर दोनों बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको बना के आराम से लिख सकते हैं देखते हैं पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट वर्ड है मैं लिखना आप चैप्टर भोली डिस्क्राइब्स टू भोली चैप्टर भोली जो है अध्याय भोली जो है दो भोली का वर्णन करता है वन भोली इज़ बिफोर सी गेट्स एजुकेशन एक भोली तब की है जो शिक्षा प्राप्त करने से पहले अलग भोली है शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके अंदर बहुत सारा चेंज आ गया ना तो वो अलग भोली हो गई बहुत ज़्यादा बोलने वाली हो गई पहले तो बोल नहीं रही थी बेवकूफ़ समझ रहे थे अपने आप को इस तरह की बोली थी तो इस तरह से दो बोली मान लिया गया है इस पार्ट में द सेकेंड होली इज़ वाट एजुकेशन में एक दूसरी बोली यह कि शिक्षा उसे क्या बना देता है दीज चेंजेज है्रॉट अबाउट बाई एजुकेशन ये परिवर्तन शिक्षक के द्वारा पार्ट प्राटोबाउट माने उजागर किए गए हैं लाए गए हैं उसके अंदर बोली हैज़ पाक मार्च ओवर हर फेस बोली के चेहरे पर पाक मार्च माने चेचक के निशान थे सीज अगली व क्रूप थी क्रूप हैज़ सम है पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज उसके कुछ दिमाग का कुछ भाग डैमेज माने क्षतिग्रस्त है ड्यू टू तो दिस इसी के कारण एंड स्मॉल पाक्स और स्मॉल पाक्स माने था चेचक ठीक है चेचक के निशान चेचक ने अटैक माने आक्रमण और चेचक के आक्रमण के कारण सी कांट स्पीक प्राउडली वह गर्व से नहीं बोल प्रॉपरली सॉरी वह उचित प्रकार से नहीं बोल सकती है सो आलमिमिक है इसलिए सब लोग उसको मिमिक माने उसकी नकल करते हैं मजाक बनाते हैं देर देयर कम्स इन ए चेंज इन होली फिर होली में एक परिवर्तन आ जाता है सी रिसीप एजुकेशन वह शिक्षा प्राप्त करती है सी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड वह समझ जाती है क्या सही है क्या गलत है और सी हैज बिकम वाइज एंड नॉर्मल व एक बुद्धिमान व्यक्ति हो जाती है और नॉर्मल सामान्य ढंग से रहने लगती हैं हर फादर डिसाइड्स टू मैरी हर टू दिसंबर उसके पिता उसका दिसंबर से शादी करने का डिसाइड uh, निश्चय करते हैं ग्रासर जो कि एक ग्रासर माने परचून की दुकान वाला था मतलब अंसारी जिसको कहते हैं अंसारी था इज लेम व लंगड़ा है ही हैज़ ए चिल्ड्रेन आल्सो उसके बच्चे भी हैं या चिल्ड्रेन आल्सो बाई हिज फर्स्ट वाइफ पहली पत्नी से उसके बच्चे भी हैं दूसरी बार शादी कर रहा था ऑन द मैरिज डे विवाह के दिन ही डिमांड्स डावरी बहुत दाइज की मांग कर लेता भोली रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी एंड मीन पर्सन भोली मना कर देती है टू मैरी शादी करने से सच अ ग्रीडी ऐसे लालची एंड मीन मने होता तुच्छ और तुच्छ आदमी से सीज नाउ आंदर भोली अब वह दूसरी भोली हो चुकी है यह पहला था भोली के बारे में दो भोली कैसे हैं करेक्टर इसकी ऑफ अनिल भी देख लेते हैं ठीक है थीप्स स्टोरी से है अनिल इज ए यंग मैन ऑफ ट्वेंटी फाइव अनिल पच्चीस साल का एक नौजवान व्यक्ति है ही इज टाल एंड लीन वह लंबा है और दुबला पतला है ही इज़ काइंड एंड इजी गोइंग वह दयालु है इजी गोइंग मैंने सुख चैन से दिन बिताने वाला है आसानी से अपने दिन को बिताने वाला है ही हैज़ ए वेरी बिग हार्ट उसका दिल बहुत बड़ा है ही एक्सेप्ट द नरेटर वह नरेटर उन्हें वर्णन करने वाले को एक्सेप्ट उन्होंने स्वीकार कर लेता है वही जो थीप जो कि एक चोर है तो वो अपनी कहानी का बरताता है ना चोर तो उसकी बात को स्वीकार कर लेता है द थीप वर्क फॉर हिम चोर उसके लिए काम करता था तो कहानी में चोर उसके लिए काम करता है ही ट्रीट्स हम नाइसली व उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है ट्रीट्स मैंने बर्ताव करना नाइसली अच्छे ढंग से ही टीचर्स हिम हाउ टू रीड एंड राइट व उसे सिखाता है कि कैसे पढ़ा और लिखा जाता है द थीप डज स्मॉल थिंग्स फॉर हिम चोर उसके लिए छोटे मोटे चीज़ें करता है He brings a small bundle of notes one day वह एक दिन एक छोटा सा नोट का बंडल जो है लेकर आया गड्ढी लेकर आया लाता है द थीप स्टील से चोर उसे चुरा लेता है बट ही कम्स बैक लेकिन वह वा वापस आ जाता है ही एक्सेप्ट द थीप वह चोर को स्वीकार कर लेता है बिकॉज क्योंकि द थीप इज़ नाउ चेंज्ड चोर अब बदल गया है मतलब चोरी करने के बाद भी उसके काम को स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह बदल गया है ही गिफ्ट से मैं ए फिफ्टी रुपी नोट व उसे पचास रुपए का नोट भी दिया दे देता है ही ज ग्रेट मैन वह एक महान आदमी ही चेंजेज ए थी इंटू ए गुड लाइट वह एक चोर को बदल देता है गुड लाइट मैंने एक अच्छे लड़के में बदल देता है तो ये उसका करेक्टर है ठीक है इस तरह से, से आपका पूरा सेट समाप्त हो गया इसका आंसर शायद मैं समाप्त कर दिया इसको आप जरूर देख लीजिएगा और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा क्लास दस के लिए तो उसमें मैं अनसाल को कवर करूंगा जो कि पिछले साल आए हैं 2022 हज़ार बाईस में किस्म पेपर नहीं होता 20 का 19 का इस तरह से सारे कवर करूंगा अगर आप पूरा अनसाल देख लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन उसमें लगभग लगभग मिल जाते हैं कुछ नए क्वेश्चन ही जो बनते हैं उसको भी आपको हल करने का आइडिया मिल ही जाएगा क्योंकि ऑप्शनल रहते हैं तो कुछ ना कुछ जो छोड़ने के लिए नए रहेंगे छोड़ देना पुराने फँसेंगे मिल कर लेना तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जैसे वीडियो की नोटिफिकेशन मैं वीडियो आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर लें क्योंकि आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए तो विद्यार्थियों की भलाई में ही मैं अपनी खुशी समझता हूँ इसलिए हर गरीब बच्चा भी जो कोचिंग भी नहीं कर पा रहा वो भी पढ़ सकें और जो पढ़ रहे हैं वो और भी इम्प्रूवमेंट अपना कर सकें तो ये इस तरह से मेरी तरफ़ से जो भी सहायता है मैं करने के लिए तैयार हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको इंग्लिश में क्या दिक्कत होती है कैसा लगा वीडियो आपको इस तरह से आगे भी और भी सेट चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो